पाक फौज किसी जमात के खिलाफ है न तरफदार, फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फैज हमीद वजीर आजम के मातहत है, मामले में जो भी मुलविस हो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कोई शख्स ज्यादती मुफाद के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आता है। ऐसा शख्स जो आर्मी एक्ट के ताबे हो, ओहदा अपने जाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, सबूत और शवाहिद भी हो तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। बाकी इदारे भी अपने लोगों को जवाबदेह करें। जनरल फैज हमीद ने जाती फायदे के लिए मखसूस सियासी अनासर के ईमा पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज किया। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल हुई। इंक्वायरी से पता चला कि मुतल्लिका रिटायर ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। फैज हमीद के खिलाफ आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर खड़ी है। फौज दहशतगर्द से लड़ती है और पूरी कौम दहशतगर्दी से लड़ती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी की जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मरबा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। जब से अफगानिस्तान में हुकूमत आई है, फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है। ख्वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना ही कबायली अकदार से। दो बरदर ममालिक के दरमियान रखना डालने वालों को अंजाम तक पहुँचाएं। वज़ीर आज़म की रावलपिंडी में पाक फौज की वार गेम्स के अख्तितामी तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ को वार गेम्स और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कलीदी किरदार को सराहा। एटमी जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के हवाले से पाक फौज के किरदार की तारीफ। अस्करी क़यादत का पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकई सलामती का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। कहा पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से बखूबी आगाह है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अजाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेगी। पाकिस्तान के सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामला है। ये तासर खत्म होना चाहिए कि फौज किसी पॉलिटिकल पार्टी के हामी या खिलाफ है। फौज के साथ पूरा पाकिस्तान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, फौज के अंदर मजबूत एहतसाब का तरीक़ाकार मौजूद है। फौज अपने मुलाजमीन के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहती है करेगी। मेरी कभी फैज हमीद से मुलाकात नहीं हुई, ज्यादा मालूमात नहीं है। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त। जलसा 8 सितंबर को होगा। संगजानी में जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई। धरने की इजाज़त नहीं होगी। सड़कें ब्लॉक नहीं की जा सकेंगी। ज़िले इंतज़ामिया का नोटिफिकेशन जारी। BNP के सरबरा अख्तर मेंगल का पार्लियामेंट को अलविदा। दुबई चले गए। कहा कि पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे नहीं बलोच आवाम से मुआफ़ी मांगे। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, बलोच आवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। मैं बलोच आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों का बोझ खत्म करने के लिए पाकिस्तान आया। अब मैं आज़ाद हूँ। उम्मीद है कि बहुत देर होने से पहले दूसरों को इसका एहसास हो जाएगा। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। GNN से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन अराकीन मुझे मनाने में तवानाइयां सर्फ ना करें। हमारे पढ़े लिखे बलोच नौजवानों की नाराजगी रियासत की ज्यादतियां हैं। हुकूमत बलोच बेटों, खातीन, बुजुर्गों और बच्चों की नाराजगी खत्म करें। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अली अमीन गंदापुर को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया, कितने दिन की राहदारी जमानत चाहिए? एडवोकेट जनरल KP ने कहा, डेढ़ माह की राहदारी जमानत दी जाए। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि डेढ़ माह की राहदारी जमानत बहुत ज्यादा है। अदालत ने 20 रोज के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। उधर इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिया।
गैर कानूनी FIR हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, जलसा तो होगा, ये रुकावट डालेंगे तो तमाशा होगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं अदालतों का एहतराम करते हैं, झूठे केस बनाए गए अदालतों में सामना करेंगे, गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहता, पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूँ, गवर्नर को KP हाउस नथिया गली से निकाला, अब मजबूर कर रहा है कि उन्हें गवर्नर हाउस से भी निकाल दूं। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस का बेड रास नहीं आ रहा, उन्हें वहां से भी निकालना पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर, बलूचिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, लवाहिकीन से इजहार अफसोस, कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के खिदमात और बहादुरी को खराज अकीदत, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से जवानों ने जानों का नजराना पेश किया, बेनजीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुई, दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। इससे पहले लाहौर एयरपोर्ट पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सदर का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस, सिंध हाई कोर्ट ने अनफेयर मीन्स कमेटी सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी को मजीद इकदाम से भी रोक दिया गया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि किसकी डिग्री का केस है, यूनिवर्सिटी ने अब तक इस किस्म के कितने फैसले किए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकला ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी को अख्तियार ही नहीं है, सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कार्रवाई कर सकता है। सिंडिकेट के एक मेंबर को पुलिस 8 घंटे के लिए उठा कर ले गई थी। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ सियासी बातें ना करें, किसी की डिग्री आप कैंसिल कर रहे हैं उसको बुलाना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कोशिश है सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से पीछे ना रहें, तलबा की सेहत और तालीम के लिए फिक्रमंद हूँ। पंजाब के स्कूल्स में प्ले ग्रुप से 5 क्लास तक रोजाना दूध का पैकेट मिलेगा, स्कूल्स की आउटसोर्सिंग और टीचर ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं, हमारे वसाइल इतने नहीं लेकिन जितना हो सका उतना करूँगी, महंगाई में कमी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब में आटा रोटी सब्जियों की कीमतों में कमी आई, नवाज शरीफ के दौर में महंगाई सिंगल डिजिट में थी, 7 साल बाद फिर महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कसरत राय से मंजूर, बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। सेनेट में बिल मंजूरी के दौरान PTI अराकीन का एहतजाज, शबरी फराज ने कहा कि यह कवानीन इसलिए बना रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे रोक सके, हमारी पार्टी को इजाजत मिली है जलसा करने की, अभी तो कोई जलसा नहीं तो फिर कंटेनर्स क्यों रखे हैं, ये हुकूमत की बदनीयती है, इनके जलसे में कोई आए तो इनको लोग टमाटर मारेंगे। £190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशा बीबी के बरियत की दरख्वास्त, बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज, उधर बारी PTI की 6 और अहलिया बुशा बीबी की, एक मुकदमे में उबूरी जमानत ने 19 सितंबर तक तौसी कर दी गई। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी ना कराने पर जेल हुकाम की जानिब से जवाब जमा ना कराया जा सका, अदालत ने वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर जेल हुकाम से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने दरख्वास्त जमानत पर समाप्त की। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, PTI के जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हुए वो सियासी कैदी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बलोचिस्तान आग में चल रहा है, किसी को फिक्र नहीं, अख्तर मेंगल से कहा है वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। अख्तर मेंगल ने कहा कि बलोच लोगों की तशद्दुद करके आंखें निकाली जा रही हैं, बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले दिन ही बिजली महंगी कर दी गई, फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी, चीनी और गंदम स्कैंडल में मोहसिन नकवी बराह रास्त मुलव्वस है, मोहसिन नकवी की मौजूदगी में करप्शन स्कैंडल की इंक्वायरी ठप कर दी गई, हुकूमत का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं, मौजूदा हुकूमत कौन लेकर आया मैं नाम बता दूंगा लेकिन आप चला नहीं सकेंगे।
पाकिस्तान की 1 अरब डॉलर के बैरूनी तजारती कर्ज की बाजाबता दरख्वास्त। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए फाइनेंसिंग खिलाफ पुर करना जरूरी है। एनर्जी बैंक से 80 करोड़ डॉलर से 1 अरब डॉलर तक के तजारती कर्जे को बहाल करने की रस्मी दरख्वास्त की गई। बैंक ने कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रवा माह IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF से कर्ज मंजूरी की हतमी तारीख अभी नहीं दी जा सकती। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर मुजाकरात जारी हैं। सऊदीया के साथ दाहमी मुआहिदों के तहत सरमायाकारी पर भी बातचीत हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा कमर्शियल इदारों से भी बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द अच्छे नतीजे मिलेंगे। हम क्या शरीफ हुए कि इलेक्ट्रिक बदमाश हो गया। कराची पाकिस्तान को आधे से ज्यादा टैक्स देता है। शहर में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। बिजली होती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक सबसे महंगी बिजली देता है। कराची वालों पर जुल्म बंद करो। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कि इलेक्ट्रिक के बाहर मुजाहरे से खिताब, बोले विफाक हुकूमत हमसे नाइंसाफी करती है। वजीर आजम के सामने कराची का मामला रखा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी अब नहीं चलने देंगे। किबला दुरुस्त ना किया तो आवाम का गुस्सा हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। PTI आईनी और कानूनी तौर पर एहतजाज करेगी। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को जलसा होगा। हम कानून और आईन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। हम इन्हें आवाम की ताकत से हटाएंगे। मखसूस नशस्तों पर जब फैसला आया तो उसे सबूताज करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने और तौसी के लिए पार्लियामेंट से मदद ली जा रही है। मानसून को ब्रेक लग गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हालिया बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान के कई इलाके मुतासर। जफराबाद, नसीराबाद, झुलमगजी समेत दीगर अजला में सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। चाहराहे, राबता सड़कें और पुल टूट फूट का शिकार। मुतासरीन खुले आसमान तले, गजाई अशिया और इलाज के मुंतजर। अंदरूनी सिंध के बासियों को भी सैलाब के बाद बीमारियों ने लपेट में ले लिया। बदीन, थत्था, टंडोलायार और दादू में सैलाब ज्यादा इलाकों में तेजी से गैस्ट्रो मलेरिया डायरिया फैलने लगा। मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों मरीज हॉस्पिटल्स में जेर इलाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और सख्त इकदाम। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को इंग्लिश काउंटी के लिए NOC देने से इनकार। ज़राए PCB के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स के लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। मोहम्मद अली का इंग्लिश काउंटी लंका शायर के साथ 3 मैचेस का मुआहिदा था। लंका शायर के साथ 3 मैचों के बाद 29 सितंबर को फ्री होना था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मरहला 7 अक्टूबर को शुरू होगा।